आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस दौरान लोगों की मदद की गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शहजादी मंडी में संविधान निर्माता की जयंती मनाई गई और इस दौरान गरीब परिवारों को राशन भी वितरित किया गया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी की जयंती को लोगों ने बेहद सादगी से मनाया। कोरोना वायरस के चलते धूमधाम से जयंती नहीं मनाई गई, लेकिन मन के अंदर वही श्रद्धा डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति लोगों के अंदर दिखाई दिया। इस दौरान तमाम जगह समाज सेवा का काम किया गया। कोरोना वायरस चलते लॉकडाउन है, इसके चलते तमाम लोगों को राशन की परेशानी हो रही है। शहजादी मंडी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोत्सव समिति ने समाज सेवा का काम डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया और लोगों को राशन का वितरण किया। जो लोग हैं उनको राशन दिया गया, जिसमें आटा है, तेल है, चीनी है, और एक एक करके लोग राशन ले लेकर जाते दिखाई दिए। लोगों को राशन दिया जा रहा था और एक बहुत अच्छी तरीके से लोगों की सेवा हो सकती है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि भी है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा गरीबों असहाय लोगों के लिए काम किया करते थे। किस तरीके से आपने मनाई जयंती? हमने अब पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी का प्रलय चल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि अपनी समाज में कुछ सेवा की जाए। गरीब असहाय जो है उनके लिए 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी और आधी किलो का तेल के पैकेट का वितरण किया है। इसीलिए हमारी सच्ची सेवा और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है, लोग दूरी बनाए खड़े हैं और सभी लोग अपने चेहरे ढके हैं। जिनके पास मास्क नहीं है वो अपने चेहरे पर साड़ी का पल्ला लगाए हुए हैं, या फिर तमाम लोग साफ़ी लगाकर या रुमाल से अपना चेहरा ढके हुए हैं। लेकिन तमाम सारे अभी भी लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। जो लॉकडाउन का नियम है हमें उसका पालन करना होगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर हमें भी संकल्प लेना होगा कि हम लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करेंगे, अपने घर में रहेंगे, दूरी बनाकर रहेंगे, और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए श्रद्धा सुमन होंगे। यदि हम इस देश को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें नियमों का भी पालन करना होगा। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।